जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। वंस अगेन आई हैव सम वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू यू। अब आज फिर मैं वो वोकैबुलरी का लेक्चर जो है ये थर्ड लेक्चर है। आई होप एंड दीज क्वेश्चंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनडीए 2021 जो एनडीए का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस है और वोकैब का है। और आज इन सभी का हमें सिनोनिमी खोजना है। देयर इज नो एंटोनिम्स टू फाइंड आउट, एंटोनिम्स नहीं है सिनोनिम, वल्ली हमें क्या करना है सिनोनिम्स को ही पता करना है। अब तो ये आपको पता है कि मैंने वर्ड्स के चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है और कैसे हमें क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज़ है हम आई विल बी कंटिन्यूइंग मैं करने की कोशिश रखूँगा, ताकि आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके पास अच्छा कलेक्शन होगा। तो विदाउट लॉसिंग अ टाइम लेट्स गो अहेड। सो द फ्रेंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर स्माइल वॉज कंटेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब आपने डिजीज़ के रेफरेंस में सुना होगा कि ये बड़ा ही कॉन्टेजियस डिजीज़ है, इन्फेक्शस है, कम्युनिकेबल है, स्प्रेडेबल है, जो मतलब फैलता है। तो अगर इसकी हम सिनोनिम्स की बात और करें तो आप ये कह सकते हैं हर स्माइल वॉज कंटेजियस, मतलब इतनी अच्छी स्माइल थी कि लोगों तक पहुँचती। तो इसको आप बोल सकते हैं इन्फेक्शस। अब आप कहेंगे सर ये मतलब स्माइल से रिलेटेड, तो वल्ली वी हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। सो तो वो हम करेंगे, इन्फेक्शस हो गया और आप बोल सकते हैं कम्युनिकेबल। और आप ये ध्यान दें कि मैं जितने भी ये चीज़ें वर्ड्स आपको कराता हूँ हमेशा किसी न किसी पेपर में आया होता है, तो इस वजह से आप अगर देखते रहेंगे तो ये कम्युनिकेबल का मतलब भी होता है, ट्रांसमिसिबल भी होता है, ट्रांसमिसिबल जो मतलब स्प्रेड हो सके, स्प्रेडेबल आप उसको भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो फैलता हो, मतलब जो फैलने योग्य होता है, तो ये कंटेजियस जो बीमारी होती है, इन्फेक्शस होती है, कम्युनिकेबल होता है, एक दूसरे से टच करने से, उनके आस स्पर्श में आने से फैलता, तो उसी को बोला जाता है कंटेजियस। तो हर स्माइल वॉज कंटेजियस। एंड ये है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है कोई इंसान कभी कभी क्या होता है बड़ा ईगो पे ले लेता है, और ईगो पे लेने के बाद वो किसी से रूड हो जाता है या उससे गुस्सा हो जाता है, डिसअपॉइंट अनॉयड हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ईगो रिलेटेड होता है, मतलब गुस्सा होना अलग बात है, लेकिन ये क्या होता है जब बात ईगो पे आती है या फिर हार्टी आप बोल सकते हैं, हार्टी मतलब जो बड़ा हार्टी हो तो उसे आप बोल सकते हैं, ये है हार्टी हो गया। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है कि जो आदर मतलब सम्मानजनक ना हो। अब अगर कोई भी चीज़ें सम्मानजनक नहीं हो तो वो क्या हो सकता है, बहुत ही बुरा लगेगा आपको, तो आप बोल सकते हैं इंसल्टिंग, ठीक है, इंसल्टिंग बोल सकते हैं, और ह्यूमिलिएटिंग भी आप बोल सकते हैं, ह्यूमिलिएटिंग, ठीक है। सरकास्टिक वही होता है कंटेजियस जो हो, सरकास्टिक कंटेजियस नहीं होता बल्कि डिसरिस्पेक्टफुल ही क्या होता है, और इसमें आप बोल सकते हैं सार्डोनिक, ठीक है, कंटेम्पचुअस, ठीक है, ये होते हैं सरकास्टिक का मतलब होता है, और ये डिसरिस्पेक्टफुल मतलब जो ऐसा हो जो कटाच टाइप हो, जो इंसल्टिंग हो। तो आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो अपमानजनक या फिर मानजनक ऐसे लिख सकते हैं। कैचिंग का मतलब वही इन्फेक्शस, कम्युनिकेबल, ट्रांसफरेबल या स्प्रेडेबल, स्प्रेडेबल तो ये जो फैलने, तो इसका अगर हम देखें जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, कंटेजियस ही होगा, तो ये हो गया आपका सिनोनिम। अगला है डायनेमिक। देखिए डायनेमिक जो वर्ड है, डायनेमिक का मतलब होता है जो बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही एक्टिव हो। तो आप इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें इसके, मतलब आप ध्यान देंगे तो इसे बोल सकते हैं एनर्जेटिक, एक्टिव, स्पोर्टिव बोल सकते हैं, स्पिरिटेड बोल सकते हैं, ठीक है, और जेस्टफुल बोल सकते हैं, जेस्टफुल ये भी होता है, एकदम एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, बहुत से वर्ड्स हैं, फिलहाल इतना ही सही है। एंड्यूरिंग का मतलब होता है जो लगातार कंसिस्टेंट हो, तो आप बोल सकते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी कि एक जो निरंतर लगा हो आप एंड्यूरिंग जो एक रेगुलर होता है वो नियमी आदमी, तो परसिस्टेंट को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो मैं क्या लिख दूँ, एंड्यूरिंग परसिस्टेंट का मतलब
नियमित। देखिए जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट एकदम डिक्टो ना बैठे, लेकिन आप ये इंग्लिश के वर्ड्स को ज़्यादा ध्यान दिया करिए। इंड्यूरिंग का मतलब परसिस्टेंट, जो लगातार चलता रहे, ठीक है। अटेंटिव का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, जो अटेंट, देखिए इसी से बड़ा होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि आप क्या, इसी से अटेंड भी बना होता है। अटेंशन का मतलब सावधान, तो जो अटेंटिव होगा वो केयरफुल भी होगा, ठीक है। जो अटेंटिव होगा वो क्या होगा, ये भी होगा, अटेंटिव का मतलब केयरफुल भी होगा, कंसेप्ट्स, और इसको बोल सकते हैं कॉसस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है वो जो वाकई में एक बदलने के योग, मतलब चलता रहता है बदलने की तरफ, ट्रांसफॉर्मेटिव आप इसे बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रोग्रेसिव। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम, मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रोग्रेसिव जो उत्पत्ति योग हो, मतलब वो कंसिस्टेंटली उसकी निर्माण होता रहे, या विकासशील, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है। और इस जो जेलस का मतलब होता है, ये जेलस का मतलब होता है हेट्रेड, लोथसम, और एक होता है और मुझे याद नहीं आ रहा है, हेट्रेड हो गया, लोथसम हो गया, हेट हो गया, ठीक है। ये होता है जेलस, मतलब घृणा। तो अगर आप लिखना चाहें तो, हालांकि ये आप सभी को पता ही होगा घृणा। तो डायनेमिक एनर्जेटिक क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं जो डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसका जो पर्सिस्टेंट है, जो अटेंटिव है, तो आप इसका जो आप लिख सकते हैं डायनेमिक, तो वो हो सकता है आप एंड्यूरिंग लिख सकते हैं, क्या होगा, एंड्यूरिंग। देखिए और आते ही ये, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। देखिए लेमेंट, ये इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किया है। लेमेंट का मतलब होता है मॉर्न करना, और ये मॉर्न वो होता है कंपैशनेट करना, ठीक है। ये इसके सामने लिख सकते हैं कंपैशनेट करना, बीवेलिंग बोल सकते हैं आप, मॉर्न करना, मॉर्निंग, जैसे इसका अगर आप मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो होगा मॉर्निंग, कंपैशनेटिंग बोल सकते हैं, और आप वही मॉर्निंग को मतलब बना लीजिए इनके ही भाषा में, जो इन्होंने चाहते वही हम लिखते हैं, ठीक है। मॉर्निंग इसका मतलब होता है जैसे किसी की डेस्टिनी, नियत खराब होती, नियति का मतलब होता है भाग्य, और या किसी की डिमाइस हो जाए, किसी की डेथ हो जाती है, तब जो हम अपने इंटेंशन को जो हम व्यक्त करते हैं, इमोशन को, वो होता है लेमेंट करना। तो इसको अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या ही लिख सकते हैं, लेमेंट का मतलब किसी की अगर डेथ होती है उस पर आके एक तरीके से रिग्रेशन होता है, बट उसकी हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है। तो आप इतना समझ लें कि मौन का मतलब क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके लिए जो आप संवेदनाएँ आप अपनी व्यक्त करते हैं वो होता है मौन। ब्लेमिंग का मतलब होता है वही क्रिटिसाइज करना, बिना मतलब का एक दूसरे को वो करना, तो आप ये बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइजिंग बोल सकते हैं, कंडेमनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। और सेलिब्रेटिंग को आप सोलमनाइज बोल सकते हैं। अब बेसिकली करते क्या है चीज़ों को, मतलब सेलिब्रेटिंग, ये तो आप समझ। मेकिंग का मतलब वही बिल्डिंग, देखिए मैं ये बिल्डिंग, इसका ये आईएनजी वाला फॉर्म है, मतलब वो V4 है, लेकिन तो अगर इन्होंने दिया तो हम भी वही वाला बना के देते हैं। बिल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जो लेमेंटिंग होगा वो होगा आपका मॉर्निंग, बी मॉर्निंग। तो ये वाला जो ये वाला क्या है, सही है आपका, मतलब सिनोनिम्स। और यहाँ मैं लिख भी दूँ कि सभी को आपको क्या करना है, सिनोनिम्स ही फाइंड आउट करना है। लास्ट वन है ऑर्गेनिक। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे अगर कोई कंपनी वगैरह होता तो वो अपने ओन रिसोर्सेज से, अपने मटेरियल कंटेंट के ऊपर भरोसा करते हो, अच्छा प्रोग्रेस कर देना ही क्या कहलाता है, ग्रो इन ऑर्गेनिक। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नेचुरल भी होता है स्पीड अप, या यूजुअल, डिसिप्लिन। तो नेचुरल का आप क्या, देखिए ऑर्गेनिक का आप क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं बायोलॉजिकल, और नेचुरल को आप लिख सकते हैं बायोटिक,
ठीक है। स्पीड का आप लिख सकते हैं क्विकनेस, वो स्पीड रेस वाला नहीं, अनयूजुअल इसे लिख सकते हैं अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन हो गया या अबनॉर्मल हो गया, अबनॉर्मल। डिसिप्लिन का मतलब जो एजुकेटेड हो तभी तो वो डिसिप्लिन में रह पाएगा, या ट्रेंड। अब आप कहेंगे सर आपने ट्रेंड क्यों लिख दिया, तो डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, और वो जो लोग ट्रेंड रहते हैं इन सब चीज़ों में वो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसका जो होगा आप तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये, इसका सिनोनिम होगा। आई होप कि ये पूरे वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आए। तो आप बहुत ज़्यादा जो जैसे कई वर्ड्स के मुझे हिंदी नहीं पता होती है, लेकिन आपको मुझे लगता है मैं इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको समझ में आ जाता है कि बिमोन का मतलब क्या होता है। जब किसी की डिमाइज हो डेथ हो जाती है तो हम उसे जब उस पर अपने इमोशंस को शो करते हैं वही होता है। आप हिंदी आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं याद आ रहा। लैमेंट होता है, मॉर्न होता है, एंड कंपैशनेट होता है, बीवेल होता है, लेकिन हमने ING वाला फॉर्म लिखा है तो इसलिए हमने ING लगा दिया है, इसमें नहीं लगा, आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा रहा, ये NDA में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देख भी सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे वर्ड्स और अच्छी जानकारी, मतलब एक फैक्ट, हमें एकदम फैक्टुअल नहीं, हमें क्या करना है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को। और आप देखेंगे कि अगर जब इतनी ढेर सारे वर्ड्स को अगर आप ये 30-35 वर्ड्स अगर 10-15 मिनट में पाते हैं, तो आई होप मुझे लगता है कि आप इन सभी में से कुछ ना कुछ वर्ड्स ज़रूर आपको याद हो जाते होंगे। आप बड़ी समस्या ये होती है कि सर इतने वर्ड्स को याद कैसे करें, तो मैं कहता हूँ कि आप ठीक है आप लिख लीजिए उसे रिवाइज़ करते रहिए, लेकिन जब आप ऐसे क्लासेस को अटेंड करते रहें तो बार बार मैं जब आपको रिवाइज़ कराऊंगा तो दिमाग में आपका स्टक करेगा, हाँ यार इसका ये होता था। धीरे 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 आप देखेंगे कि हाँ यार इसका मतलब ये होता है, फिर धीरे बहुत ही अच्छे आपके दिमाग को एक ग्रो कर जाएगा कैच करने के लिए, हाँ ये इसका ये होता है। तो आप लगे रहिए, आई होप कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू, जय हिंद।